नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बारे में बताना चाहूंगा कि इसमें भी अभी सिचुएशन पूरी नॉर्मल है। डिप्लॉयमेंट हमारी फोर्स की है, सीनियर ऑफिसर्स सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई कॉल नहीं आ रही और जितनी भी कॉल्स आती हैं उसको हम पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। तमाम जो दिल्ली वासियों को अपील की थी कि किसी के भी पास भी कोई भी तरह की फुटेज, वो सीसीटीवी फुटेज हो सकती है, वीडियो फुटेज हो सकती है, और जितने भी हमारे मीडिया से ब्रदर्स हैं इनको भी हमने अपील की थी कि वो हमने फुटेज दे सकते हैं। मैं तमाम दिल्ली वासियों का, अपने मीडिया के भाइयों का एक धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस पे हमें बहुत सी वीडियोस मिली हैं जिसको के इन्वेस्टिगेशन में बहुत मदद मिली है दिल्ली पुलिस को और केसेस की इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। अभी तक जो नंबर है, हम अभी तक 712, मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा, 712 FIR रजिस्टर कर चुके हैं और भी करेंगे। इसके साथ साथ फिगर के तौर पे मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये एरिया, जैसे आपको पता है, बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, पहले भी इसमें रॉयट्स की हिस्ट्री है, जो 92 में भी रॉयट्स हुए थे उसमें 20 के आसपास FIR दर्ज हुई थी, लेकिन अभी हम 712 FIR कर चुके हैं और भी हमारे पास कंप्लेंट आएगी, उसको भी हम रजिस्टर करेंगे जिसमें भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे भी इन्वेस्टिगेशन हमारी आगे मूव हो रही है, हम अक्यूज्ड को अरेस्ट कर रहे हैं। अभी तक 200 से ऊपर हम जो अक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट कर चुके हैं और इसका नंबर और बढ़ेगा जैसे जैसे प्रोग्रेस आएगी। काफियों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हरेक जो FIR है उसमें अभी आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जिन्होंने भी कानून को अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम दिल्ली वासियों को ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी निर्दोष हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीन केसेस, एक है जिसमें एक नाले में चार डेड बॉडीज मिली थी, एक इनका मिसेज अकबरी बेगम का केस है और एक जो हमारा हेड कांस्टेबल रतन लाल है इसकी जो शहादत है, इसमें हमने जो प्रोग्रेस की है और जो अरेस्ट किया है वो आपके साथ अभी इसमें शेयर करूंगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली पुलिस है तमाम एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसमें हमारी अलग अलग टीम्स लगी हुई हैं, क्राइम ब्रांच की SITs लगी हुई हैं, लोकल पुलिस लगी हुई है, स्पेशल सेल इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल से भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन मूव करेगी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके बाद जो हमने एक और अपील की थी वो र्यूमर्स की, उसमें मैं फिर दिल्ली वासियों का दिल्ली पुलिस की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने मीडिया भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपका बड़ा सहयोग रहा, जो एकदम से र्यूमर फैला था उसको कंटेन करने में आपने दिल्ली पुलिस की हेल्प की। मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा दिल्ली वासियों को अपील करना चाहूँगा कि जो भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर सकती हैं। आप कोई भी र्यूमर्स आता है, दिल्ली पुलिस ने अपने नंबर्स जो है वो पब्लिश किए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स के नंबर हमने पब्लिश किए हुए हैं, उस पर आप कोई भी र्यूमर है, कोई भी अफवाह है, उसकी पुष्टि जरूर कर लें। हमने जो कॉल्स आई हैं उसका पैटर्न एनालिसिस किया है, जिस जिसने कॉल की है हमने ये देखा है कि अगर पैनिक में कॉल की है तो फिर हमने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन मान लीजिए उसमें भी पैटर्न आया, बार बार कॉल है और उसमें अगर सोशल मीडिया में उसने फेक न्यूज चला रहा है या कोई हेटेड स्पीच चला रहा है, उसको भी हमने FIR भी दर्ज की है और उसमें काफी हमने ब्लॉक भी करवाए हैं। दिल्ली पुलिस के ये एफर्ट जारी रहेंगे और मैं आपके माध्यम से फिर बताना चाहूंगा कि दिल्ली में अभी पूरी अमन शांति है। दिल्ली वासियों से फिर अपील करना चाहूंगा कि इसी तरह आप सहयोग करते रहें, जो हमने नंबर आपके साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर किए हुए हैं, कोई भी अगर आपके पास एविडेंस है, कोई वीडियो है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।